क्लोज करना। और अभी आपको अग्निसार बताया था, अग्निसार खड़े खड़े भी, अग्निसार और खड़े खड़े अग्निसार के अलावा क्या करना चाहिए हमें? नौली क्रिया भी करनी चाहिए। तो नौली क्रिया अग्निसार रोज करें। कैसे? अग्निसार को तो ऐसे, और देखें और एक बार दिखाते हैं। और अग्नि सार के बाद नौली क्रिया को करें, पेट की मांसपेशी को ऐसे घुमाएं। थोड़ी सी विधि, थोड़ा सा विधि सीख लीजिए, पूरा वीडियो आप देखेंगे शुरू से आपको पता लग जाएगा। ऐसे करिए, फिर से एक बार फिर देख लीजिए। जंघाओं को यहां रखें, है ना, यहां रख करके थोड़ा थोड़ा यूं जोड़ देंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये होने लगेगा, है ना। कैसे होगा? श्वास बाहर छोड़िए, इस तरह से रोज का योगाभ्यास करें। अग्निसार, कपालभाति, बाह्य। आज हमने आपको भस्त्रिका, आज आपको हमने अग्निसार, आज आपको नौली क्रिया और अभ्यंतर क्रिया। इस सत्र में इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो अपने जीवन की जो ज्योति है उसको अग्नि को जला करके रखें, उत्साह को कम ना पड़ने दे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, आ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे,
भीतर तो छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, आ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, आ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कर लेना, फिर मलमूत्र के द्वार को भीतर खींच लेना, गुदा द्वार को अंदर संकुचित कर लेना, और फिर पूरा श्वास बाहर निकाल कर पेट को अंदर खींच लेना ऐसे। श्वास भर के रिलैक्स। तीन बंद लगते हैं, तीन बंद कौन कौन से लगते हैं मैं देख पा रहा हूं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीनों ही अभ्यासों को एक ही प्राणायाम में करते हैं। कौन कौन सा? मूल बंद यानी गुदा द्वार को अंदर संकुचित करना, उड्डयन बंद यानी कि श्वास निकाल करके पेट को अंदर खींचना, अंदर लगाना। पहला मूल बंद, गुदा द्वार को अंदर खींचना, मलमूत्र के द्वारों को अंदर खींचना, एनस को अंदर खींचना, और श्वास बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींचना, ये दोनों बंद एक साथ। तीसरा ठोड़ी को कंठकूप से ऐसे लगाना, ये तीसरा बंद भी एक साथ। तीनों ही बंदों को एक ही बाह्य प्राणायाम में करना है, यथा सामर्थ्य अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी रोकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को जो बाहर छूटा हुआ था तीनों बंदों को छोड़ करके श्वास को भर लेना, ये एक बाह्य प्राणायाम है। ठीक है, तो फिर से दो बार और करते हैं, इससे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, शरीर की शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती हैं, हमारा शरीर हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, और मलमूत्र के दोषों के जितने भी हैं वे सारे सारे दोष हमारे शरीर को छोड़ के शरीर को बाहर छोड़ करके चले जाते हैं। और जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, यदि उनके सेक्सुअल डिजीज है वे भी दूर हो जाते हैं, जिनको पाइल्स, फिशर, फिस्टूला है वे भी दूर हो जाते हैं इस बाह्य प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से। करेंगे, श्वास पहले थोड़ा भर लेंगे, मलमूत्र के द्वारों को भीतर संकुचित करें, खींचें, और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ करके पेट को भी अंदर खींचें। जितना सामर्थ्य उतनी देर रोके, फिर धीरे धीरे तीनों बंधों को छोड़ करके श्वास को भर लेंगे। दूसरी बार हमने किया, फिर तीसरी बार, फिर से श्वास थोड़ा भरें, फिर से गुदा द्वार को भीतर खींचें, श्वास पूरा खाली करके पेट को अंदर खींचें। यथा सामर्थ्य रोकें, फिर धीरे धीरे तीनों बंधों को छोड़ करके श्वास को भर लेंगे। ये बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद पेट के अंगों की थोड़ी थोड़ी मसाज कर लेना, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे।
ऐसे। फिर अग्निसार का अभ्यास करना 5 बार। प्रत्येक व्यक्ति को अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करता है उसको अग्नि प्रदीप्त भी करनी चाहिए, चाहे यज्ञ कुंड में चाहे पेट में। तो अग्नि प्रदीप्त करने का बहुत बढ़िया अभ्यास, जिसको हठयोग की क्रिया कहते हैं, वह अग्निसार क्रिया है। श्वास को पहले भर लेंगे, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींचे छोड़े। थक जाए तो श्वास भर लेंगे, रिलैक्स, विश्राम, गहरे श्वास 2-3 बार भर लीजिए। फिर दूसरी बार फिर से श्वास भर लेंगे और पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर से अग्निसार, ऐसे 40 से 50 बार यदि आप अभ्यास करेंगे तो यह होने लगेगा। 40 से 50 बार और धीरे धीरे और अभ्यास करते करते 60, 65, 70, 75 और 80 बार तक होने लगेगा। ऐसा करेंगे तो 80 बार का तो बहुत बड़ा सामर्थ्य धीरे धीरे जुट जाएगा, और नहीं तो शुरुआत में आप 10 बार तो करें, कम से कम 10 बार 1, 2, 3 ऐसे करें। फिर से कर रहे हैं इसी अग्निसार के 3 अभ्यासों को और कर रहे हैं। फिर श्वास भर के रिलैक्स, फिर श्वास बाहर, फिर से 4th बार। फिर श्वास भर के रिलैक्स, फिर श्वास बाहर छोड़े 5वीं बार। फिर सामर्थ्य जब पूरा हो जाए तो रिलैक्स, विश्राम, ऐसे पेट के अंगों में थोड़ा थोड़ा मसाज, हल्का हल्का, हल्के हल्के हाथों से करें, पेडू भाग में करें, नलों में करें, पेट के साइड में करें। पूरा पेट ऐसा शक्तिशाली हो जाएगा। बस रोज तलावा मत खा लेना, ये रोज तलावा खा करके लीवर को फैटी लीवर बना देते हैं। फैटी लीवर भी टाइप 1 टाइप 2। इस भूमि पर बहुत सुंदर 3 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर को अच्छा बनाती है, पेट की समस्त समस्याओं को दूर करती है। उन 3 जड़ी बूटियों का नाम है मकोए, पुनर्नवा और भूमि आंवला। यदि आप इसका इंतजाम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये बनी बनाई सर्वकल्प क्वाच के रूप में पतंजलि चिकित्सालयों पर मिल जाती है। इन 3 ही औषधियों का मिला करके वहां पर एक पाउच मिल जाता है, उसका काढ़ा बनाएं और आप पिए, शरीर की, पेट की लगभग सभी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान योग और इस सर्वकल्प क्वाथ के द्वारा हो सकता है, यदि आप नियमित रूप से इसको पिए तो। इसका नुकसान कोई नहीं है। जिसका फैटी लीवर है, जिसके शरीर में, पेट में गैस, कब्ज, अम्ल पित्त, जिसको हम एसिडिटी कह रहे हैं, तमाम तरह के रोग पेट के सारे ही दूर हो जाएंगे यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे। चाल तेरी रिसा भाल तेरी भ्रिकुटी में
पांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत। तांडव की ताल। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंबि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। डमड डमड मन्नि नादव डमर्वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्नि लिंप निर्झरि, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वल ललाट पट पा के, किशोर चंद्र शेखरे रते प्रतिक्षणं मम। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा, वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं, गजच्छिदांत कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं, गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयत्वद ब्रवी भ्रव भ्रमद भुजंगमश्वस, द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल अव्यवाड। धिमिद्धि मिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंग मंगल, ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव। तो आज के इस योग के सत्र को यहीं समापन करते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। अपने जीवन की ज्योति को कम नहीं होने देना।